नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार पूरा हमारा देश और पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हम सभी, चाहे आप हैं हम हैं, सभी इस महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार महंगाई की मार, और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो पेट्रोल पिछले 19 से 20 दिनों में लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है, चाहे हम पेट्रोल की बात करें या फिर बात करें डीजल की। इसकी महामारी से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, सभी इस महामारी के दौरान अपना खजाना भरने के लिए तैयार हैं, तो आम जनता आखिर कहां जाएगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो सीनियर लोग हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र के जाने माने हैं। मैं आपका परिचय करवा दूं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं श्याम सुंदर शर्मा जी से, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही आर्थिक मामलों के जानकार पंकज घिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का सिटी लाइव न्यूज में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पंकज घिया जी, आप क्योंकि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आपसे जानना चाहूंगा। लगातार हम नोटबंदी के बाद से जो चाहे महंगाई हो, चाहे दूसरी इकोनॉमी को लेकर परेशानी हो, उनसे जूझ रहे हैं, और अब कोविड-19 के बाद जो पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतें हैं, जो डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें हैं, जो कि आम आदमी से लेकर, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो गरीब तबके के लोग हो, सभी का काम पेट्रोल डीजल से पड़ता है। तो आप इस समय सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लगातार बढ़ती दरों के बारे में आम जनता जो पिसा हुआ महसूस कर रही है अपने आप को, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात करी है और बहुत अच्छा टॉपिक है। आप ये समझिए कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राज्य सरकार कांग्रेस की है और केंद्र सरकार बीजेपी की है, लेकिन दोनों ही इस काल में जितने टैक्स बढ़ा सकती है वो टैक्स बढ़ा रही है, और बढ़ाकर उन्होंने इतना महंगा पेट्रोल और डीजल को कर दिया है कि आम आदमी के बूते से बाहर होता जा रहा है। जब दुनिया भर में क्रूड तेल का दाम गिरता जा रहा था, और एक समय ऐसा आ गया था पिछले 2 महीने पहले कि क्रूड ऑयल जो है वो नेगेटिव हो गया था, उसके फ्यूचर जो है वो नेगेटिव हो गए थे, यानी कि क्रूड ऑयल खरीदने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे थे, आप ये स्थिति मानकर चलिए। उस स्थिति में सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, और राज्य सरकार ने वैट बढ़ा दिया, और एबनॉर्मल तेजी करी, एबनॉर्मल रूप से वैट बढ़ाया। उस समय हम ये मान रहे थे कि ठीक है, जो क्रूड ऑयल का भाव गिरता जा रहा है उसका बेनिफिट केंद्र सरकार और राज्य सरकार पास नहीं करना चाहती, और वो कोविड से लड़ने के लिए अपने खजाने को बढ़ना चाहती है। लेकिन जब क्रूड ऑयल बढ़ना चालू हुआ और राज्य सरकार ने पिछले 15 या 20 दिनों से कंटिन्यूअस, आपने देखा कि पेट्रोल डीजल के दाम कंटिन्यूअसली हर रोज करीब करीब 50 पैसे से 80 पैसे तक बढ़ रहे हैं, इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उसको कम करना चाहिए था। जो टैक्स है जो उन्होंने बढ़ाए थे उसको कम करना चाहिए था। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में वो स्पेशल अमेंडमेंट लॉ लाके उन्होंने 8 रुपए लीटर तक की टैक्स की बढ़ोतरी की मांग स्वीकार करा ली। अब आप इंपैक्ट की बात करते हैं तो आप अमीर गरीब की बात नहीं करें, क्रूड ऑयल पेट्रोल डीजल तो ऐसी चीज है जो सब पे इफेक्ट करता है। आज ही आपने न्यूज देखी होगी कि क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, रसोई गैस का सब्सिडी वाला सिलेंडर, जी रसोई गैस का सब्सिडी वाला सिलेंडर 20% तक महंगा हो गया। ये एक आश्चर्य की बात है, गरीब तबके का आदमी इससे सफर कर रहा है। पेट्रोल डीजल की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन में आपका गाड़ी, पर्सनल गाड़ी या पर्सनल व्हीकल से ही पेट्रोल डीजल का फर्क नहीं पड़ता, आज पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आम आदमी की सारी चीजें महंगी हो गई, उसका लोडिंग अनलोडिंग महंगा हो गया, और हर चीज में मुद्रा स्फीति बढ़ती जा रही है, कीमत बढ़ती जा रही है, और हर आम आदमी, चाहे गरीब हो, छोटा हो, मध्यम हो, जैसा भी हो, उसको इसका पिंच महसूस हो रहा है। और आज जब हम ऐसी स्थिति में है, जब फाइनेंस हमारे पास नहीं है, 4 महीने से बिजनेस नहीं चल रहे, नौकरी से लोग निकाल दिए गए हैं, तनख्वाह में कमी कर दी गई है, और हम एक पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, घरों में भी दिक्कत आ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा, उस समय अगर इतना तेज पेट्रोल डीजल का भाव रखेंगे और सरकार टैक्स के रेट में कम नहीं करेगी, तो
तो आम आदमी पर प्रहार है। बिल्कुल, आम आदमी पर लगातार जो सरकार है वो प्रहार कर रही है। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि लगातार केंद्र सरकार को बढ़ा ही रही है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी वैट जो है कई राज्यों से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप क्या मानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें आम जनता को किस तरह लूटने में लगी हुई है इस महामारी में? आप श्याम जी देखिए, दीपक जी, दो स्थिति कोरोना को लेकर विकट बनी हुई है। बेरोजगारी की समस्या है, लोगों के सामने नौकरी नहीं है, बाकी सारी चीजें सामने हो रही है, लेकिन केंद्र और राज्यों की सरकारें, जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो राज्य में कांग्रेस की सरकार है, दोनों ही सरकारें कहती हैं कुछ, करती हैं कुछ। अब देखिए, वेट बढ़ाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, चुपचाप बढ़ाया उनका, कोविड में हमारा खजाना खाली, हम भरेंगे जी, भरो। इसके अलावा देखिए, केंद्र सरकार से लगातार 20 दिनों से बढ़ रही है डीजल, आज स्थिति होगी पेट्रोल के भाव कम हो गए और डीजल के भाव बढ़ गए। अब आम ट्रांसपोर्टेशन, आम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो डीजल के माध्यम से चल रहा है, अभी अभी मौजूदा स्थिति में सीएनजी की स्थिति नहीं बनी है। लोगों ने डीजल की गाड़ी इसलिए खरीदी थी कि आने वाले समय में उनको फायदा होगा, लेकिन अब विपरीत स्थिति हो गई है, वो दोनों ही स्थिति में पिट रहा है। वो तो महंगी गाड़ी खरीद करके भी वो बराबर के दाम पे आ गया है, तो स्थिति ये है कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो आप बार बार देखिए, केंद्र सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। अब आप देखिएगा कि कांग्रेस भी और माकपा सारे दल इस बात को लेकर के आंदोलित हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। देखिएगा यूपी में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आंदोलन कर रही है, राजस्थान में 29 तारीख को आंदोलन करने की बात हुई है। लेकिन आज हमको सोनिया गांधी को भी यह तय करना पड़ेगा कि उसके कांग्रेस शासित प्रदेश है उसमें वेट कम करो, उनको दिखाओ कि हम वेट कम कर सकते हैं। आप बताइए कि 27% अगर सरकार राज्य सरकार ही लगा रही है, 35% वो लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से 58% अगर टैक्स लग रहा हो। अब देखिएगा, क्रूड ऑयल के तेल भाव गिर रहे हैं और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, ये विपरीत स्थिति कैसे हो सकती है? देखिए, 2014 में जब 112 रुपए प्रति बैरल कच्चा तेल आ रहा था तो क्या भाव यही थे, और आज देखिए 40 रुपए प्रति बैरल डॉलर बैलर के हिसाब से तेल मिल रहा है, तो हमारे भाव किस प्रकार से? तो आप देखिएगा, इतना टैक्सेस क्यों लगा रहे हो जब मूल रूप से 35 रुपए या 32 रुपए करीब तेल हमको मिल रहा है, और हम बेच के किस भाव से रहे? 80 रुपए के हिसाब से लगभग, क्योंकि आप देखिएगा दोनों के रेट में आज तो डीजल का रेट 10-15 पैसे ज्यादा हो गया है। पर ये देश की दूरी को आखिर देश की आम जनता को ले जाना कहाँ चाहते हो आप? खजाना भरना चाहते हो, इसके बदौलत भरना चाहते हो, ऐसी परिस्थिति में भरना चाहते हो जब लोगों के पास रोजगार नहीं है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, अब बिजनेस चल नहीं रहा है। सही बात है, गिया जी सही कह रहे थे कि आज स्थिति बहुत नाजुक है। नाजुक स्थिति में भी सरकार हमेशा सहयोगी बनने चाहिए, यहाँ सहयोग नहीं हो रहा, यहाँ तो बिल्कुल कहा जा रहा है कि हम तो आज भी ठीक ठाक तरीके से चला रहे हैं। अब बीजेपी वाले अब भी कह रहे हैं कि आप बिजली का दाम कम कर दो, राज्य सरकारों को कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप पेट्रोल का दाम कर दो। दोनों कम नहीं करना चाहते, दोनों ही जनता दोनों ही तरफ से वही देना चाहते। जी बिल्कुल, चाहे कांग्रेस जी, ऐसी स्थिति में आम व्यक्ति जाए किसके पास? कांग्रेस के पास जाए तो केवल होल्ला हो रहा है, वो भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद करने की बात तो कहते हैं लेकिन डीजल पेट्रोल नहीं करना चाहते। आखिर भार तो किसके पर पड़ेगा? आम व्यक्ति पर पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन अगर कहीं सामान आएगा जाएगा ट्रक के माध्यम, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतनी जल्दी चेंज होने वाला नहीं है, सीएनजी में जाने वाला नहीं है, तो वहां पर तो हमको निश्चित रूप से डीजल के वाहनों में जाना आना पड़ेगा, तो वहां महंगाई की मार आने वाले समय में विपरीत पड़ेगी। और आप देखिएगा, सही बता रहे थे कि गैस के दामों में 20% की भेड़ बढ़ोतरी कर दी, तो आखिर ये कहना कुछ है चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आम पब्लिक की कोई नहीं सोच रहा, खजाना भरना है। अब खजाना ऐसे भरेंगे कि विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति तो लूट रहा है उसको और लूट लो, तो ऐसी स्थिति में देखिए अभी आप आने वाले समय में हाहाकार की स्थिति कुछ और नहीं, अराजकता की स्थिति पैदा नहीं हो जाए, तो इसको सोचना पड़ेगा सरकार को। एक्साइज ड्यूटी एकदम बढ़ाई पार्लियामेंट में करके एक प्रस्ताव लाए और आपने पारित कर दी, अब ये देखते हुए कि क्योंकि
आपकी क्रूड ऑयल तो बिल्कुल नेगेटिव चला गया था, कोई खरीदार नहीं था, उसके बाद भी आप इस हिसाब से आप जनता को ये मान के चलते हैं कि हमने जो कर दिया जनता तो आपको देगी, लेकिन जनता की मजबूरी है, उसको जाना आना है तो पेट्रोल भराना है, डीजल भराना है, तो ऐसी स्थिति में इस लूट को कैसे कम किया जाएगा? अब कैसे सब दल कहते हैं लेकिन करते नहीं है। आज देखिएगा बिहार में चुनाव है, तेजस्वी आज आंदोलन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में अब देखिएगा कि शिवराज सिंह जी के खिलाफ दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि अपने नेता को कि अपने राज्यों की सरकारें हैं वहां वेट तो कम कर दो, जिससे कि हम कह सके हमने वेट कम किया तो तुम एक्साइज ड्यूटी कम करो। आम जनता को कैसे लाभ मिले, किस प्रकार से नहीं मिले, ये एक बहुत बड़ा दयनीय स्थिति आम लोगों की है। तो हम उसको कैसे उभार पाएंगे? और क्योंकि आप ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, निश्चित रूप से सरकार तक इन बातों को पहुंचाते हैं, एक अच्छी बात है, निश्चित रूप से डिस्कस होना। और क्योंकि हम उन चीजों को बताना चाहते हैं कि पब्लिक क्या चाहती क्या है, बेरोजगार व्यक्ति है, उसको रोजगार नहीं है, उसको आप लूटने का प्रयास नहीं करो, उसको सहयोग करने का प्रयास करो। और सहयोग करने के लिए आपको निश्चित रूप से जितना टैक्सेज आपने 58 से 60% का टैक्स जो लगा रखा है उसको कम कीजिए। कम करने के लिए आप कहिए मत, हमारे देखिए हमने 25 सांसद चुन के दिए, अभी तो 3 कांग्रेस के राज्यसभा में चले गए, 7 बीजेपी के, भरपूर हमने दिया, उसके बाद हमको मिल क्या रहा है? तो ये सारी परिस्थिति अशोक जी को भी सोचना पड़ेगा। उनको धीरे से चुपचाप बढ़ा देते वेट और कहते भी नहीं कि अभी तो बीच में आप देखा होगा चुपचाप बढ़ाया था और कहा था कि जी कह रहे हो कि पहले जितना था उतना ही रख रखा है। तो आखिर ये कहना क्या चाहते हो? कहते हो केंद्र के तो नीतियों का खिलाफ विरोध करते हो, आप अपनी सरकार में जनता को राहत नहीं देते हो, तो दोगली चाले नहीं चलेगी। निश्चित रूप से जनता को राहत देने के लिए आपको छूट देनी पड़ेगी, वेट घटाइए तो आप एक्साइज को कम करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बना सकते हो। अब 29 तारीख को धरना दोगे? जो सरकारें होती हैं जब वो सत्ता में होती हैं तो वो जनता के बारे में नहीं सोचती हैं, और जब सत्ता में नहीं होती हैं तो वो जनता के साथ सड़कों पर उतर जाती हैं। और चाहे हम अगर कांग्रेस शासन की बात करें, केंद्र में जब कांग्रेस थी उस समय भी बीजेपी के जो नेता थे वो सड़कों पर उतरे थे, लेकिन आज जब उनके कार्यकाल के दौरान इतनी महंगाई चरम पर है पेट्रोल और डीजल की, तो आज वो चुपचाप बैठे हुए हैं। हमारे साथ अभिषेक शर्मा जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, जब वो सत्ता के अंदर होते हैं तो कुछ और होते हैं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो उनका नजरिया कुछ और होता है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, नेता को नेतागिरी करनी पड़ती है, और एक बात मानकर चलिए कि जो सत्ता में होता है उसका जो विपक्षी दल होता है उसकी हर बात की बुराई करता है, और जब वो विपक्षी दल सत्ता में आता है तो वो ही काम करने लग जाता है, और जो दल सत्ता में था वो उसकी बुराई करने लग जाता है। तो लेकिन यहाँ पर पंकज जी मैं यहाँ पर ये टोकना चाहूंगा कि राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, तो दोनों सरकारें मिलकर क्या आम जनता को लूटने का काम कर रही है? देखिए, आप लूटने को नहीं कह सकते, इसको आप ये भी समझिए कि सरकार संवेदनशील नहीं रही है। सरकार को ये समझने में, सरकार को अपने खजाने की चिंता है, सरकार को ये चिंता है कि वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे दे, सरकार को ये चिंता बिल्कुल भी नहीं है कि आम आदमी कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है, सरकार को ये चिंता बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी महंगाई बढ़ाने की नीति से आम आदमी का जो घर का बजट है, जो खाने पीने का बजट है, जो लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन और जो हम ट्रेवलिंग की बात करते हैं उस पर कैसे फर्क पड़ेगा, ये सरकार की कोई चिंता नहीं है। सरकार को जब सत्ता में है, चाहे केंद्रीय सरकार केंद्र में है, राज्य में कांग्रेस सरकार है, उनको अपने खजाने की चिंता है, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने की चिंता है और फ्री में हर चीज देने की, यानी कि जो सामान्य लोग हैं आज उनकी सरकार को चिंता नहीं है, जो सामान्य लोग हैं उनकी सरकार को कतई चिंता नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं है। सरकार हर चीज कई चीजों में फ्री की स्कीम लाती है, आप ये देखते हैं कि फ्री के देने के लिए भी पैसा चाहिए, तो सरकार को ये समझ आ गया कि जो पैसा देता है टैक्स हम लगा सकते हैं, लगाए थोड़ा बहुत हो अल्लाह होगा लेकिन सब चुप हो जाएंगे। हमने ये देखा 20 दिन से पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, क्या कोई आंदोलन हुआ? 2-4 खबर आती है, 2-4 न्यूज में खबर आती है, अखबार में खबर आती है, आम आदमी के पास समय कहां है? बेचारा अपना जिंदगी रोजी रोटी कमाए कि आंदोलन करे, और सरकार इस आम आदमी की ये जो जरूरत है कि किसी तरह भी उसको, तो अगर
आंदोलन करे तो रोजी रोटी कैसे कमाएगा उसकी इस मनोवृत्ति को समझ चुकी है और उनको मालूम है कि किसी के पास समय नहीं है, इसलिए वो दिन पर दिन टैक्स बढ़ाता जा रही है और दिन पर दिन आम आदमी इसको सफर करता जा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब भी टैक्स बढ़ता है, आपने देखा कोई आंदोलन होता है, आज पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, वहां पर कोई कानून में टैक्स की रेट बढ़ा देते हैं, 8-8 रुपए, 9-9 रुपए लीटर टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स की रेट बढ़ा दी, वहां पर कोई आंदोलन नहीं है, आम आदमी उस तक नहीं कर पाता और उसकी कोई सुनता नहीं है। आज हम मीडिया की बात करते हैं, अपने पत्रकार की बात करते हैं, जो पेपर न्यूज पेपर्स है उनकी बात करते हैं, वो हमारी मुद्दे को उठाते हैं, वो जीवंत इस मुद्दे को डिस्कशन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है सरकार अपने मतलब की न्यूज सुनती है और जो उनके मतलब की न्यूज नहीं है उसको वो सुनना पसंद नहीं करती। आज उनको मालूम है कि 15 दिन और हम निकाल देते हैं, 20 दिन और निकाल देते हैं, उसके बाद हो सकता है कि आपको एक छोटा सा लॉलीपॉप दे देंगे और 2-5% टैक्स कम कर देंगे, लेकिन 1 महीना और इसको निकाल दिया तो सरकार के पास 1000 करोड़ रुपया टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। तो एक ये मानसिकता बढ़ गई है, नेता जो है आज वो जनता के लिए जवाब दे नहीं रहे हैं, 5 साल बाद उनको वोट मांगने जाना है, 4 साल तक वो जो भी टैक्स एकत्र कर सकते हैं वो एकत्र करते हैं, 5वें साल जितने भी कंसेशन आते हैं, हमने ये देखा आज ये चुनाव का डेमोक्रेसी का एक जो नेगेटिव रूप है वो ये है कि जो भी बेनिफिट आ रहे हैं वो 5वें साल से आने चालू होते हैं, तब टैक्स भी रेट कम हो जाएगी। आप देखना 5वें साल में एक बार भी, आज भी मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ जब 5वां साल होगा उस साल एक बार भी टैक्स ये डीजल पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा। चुनाव के दिनों में यानी कि सारी चीजें आम जनता को देने के लिए, उनको खुश करने के लिए सारी चीजें सस्ती कर दी जाती हैं। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी दीपक जी। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे थे पेट्रोल और डीजल की जो लगातार रेट बढ़ रही है और आम जनता इससे बहुत दुखी है, क्योंकि एक तरफ जहां COVID-19 की मार महामारी जो है पूरे देश और दुनिया में फैल रही है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति सभी की अभी बहुत ही नाजुक हालातों में है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार का वैट हो, ये बढ़ाना कितना उचित है? देखिए दीपक जी, ये वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है कि जिस तरह से पिछले 20-25 दिनों में, एक महीने में, जो डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस में बेतहाशा जो वृद्धि हुई है, वो वास्तव में बहुत चिंताजनक स्थिति है देश के लिए। आज जहां एक मध्यम वर्गीय आदमी कोरोना के कहर से अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जहां लोगों की नौकरियां जा रही है, जहां लोगों को पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, जो व्यापारी व्यापार में बैठे हैं उनको व्यापार में धंधा नहीं हो रहा है, उनकी रिकवरी नहीं आ रही है, उनकी उगाही नहीं हो रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक तरफ से बहुत कम हो चुका है, उस स्थिति में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके सरकार ने कोड़ में खाद जैसा काम किया है, ऐसा मुझे लगता है। और इस चीज के लिए हम ना केवल केंद्र सरकार को, ना केवल राज्य सरकार को, बल्कि ये कहना होगा कि दोनों ही सरकारें इसके लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। कहीं ना कहीं हम किसी भी सरकार की यहाँ बुराई नहीं करना चाहते, पर जो स्थिति जो नजर आ रही है, चिंताजनक स्थिति पड़ेगी ना, गलत स्थिति बनती हुई यहाँ पर आ रही है। दीपक जी, प्रश्न बुराई करने या बुराई नहीं करने का नहीं है, प्रश्न ये है कि इस माहौल में जरूरत है लोगों को एक सकारात्मकता की ऊर्जा देने की, कि कैसे लोगों पर खर्चा कम हो पाए, कैसे लोग कम से कम खर्च में बजट में अपने परिवार चला पाए, क्योंकि जहां लोग काम धंधे पे नहीं जा पा रहे हैं वहां डीजल और पेट्रोल की प्राइस में खर्चा जब बढ़ गया है तो वो खर्चा इस लेवल में पहुंचता जा रहा है कि जो पहले 65-70 रुपए में पेट्रोल भराया करते थे लॉकडाउन से पहले, आज वही पेट्रोल की प्राइस बढ़ के 87 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है। जबकि हम देखें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जब बहुत ज्यादा कम हो गई थी उस समय भी कोई पेट्रोल डीजल की प्राइस कम नहीं हुई थी, कहीं किसी को राहत नहीं मिली थी, पर अभी जो वास्तव में जो प्राइस बढ़ा दी है बहुत गलत है, बहुत चिंताजनक है, और केंद्र सरकार को इसमें आवश्यक रूप से एक्साइज कम करना चाहिए और राज्य सरकार को 100% वैट में कहीं ना कहीं कमी करनी चाहिए, ताकि जो आम आदमी है उसकी कमर जो टूट रही है इस पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने से, जो उपभोक्ता के ऊपर मार पड़ रही है, या जो व्यापार या जो इंडस्ट्री, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो डीजल यूज करती है बड़ी बेतहाशा संख्या में, उस डीजल की यूज करने के ऊपर उनके ऊपर जो महंगाई का बोझ पड़ा है, ये बहुत चिंताजनक है और बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
सरकार का इस समय ऐसी स्थिति में सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि उपभोक्ता को, आम आदमी को, नौकरी पेशा लोगों को, व्यापारियों को राहत दी जाए। जहां एक तरफ बिजली का बिल चुकाने के पैसे नहीं है लोगों के पास, सरकार ने जो बिजली का फिक्स खर्च है उसमें भी कमी नहीं करी है, दूसरी तरफ स्कूल की फीस कंटिन्यू बेसिस पे जा रही है, बच्चों की फीस है, और वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हो गई, तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही सरकार को हस्तक्षेप करके इसमें कदम उठाया जाना चाहिए और प्राइसेस को बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल श्याम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार जब COVID-19 शुरू हुआ था उस समय सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि हम सभी लोगों के लिए अलग अलग योजना लाएंगे, चाहे वो 20 लाख करोड़ का पैकेज हो या फिर पेट्रोल या बिजली के बिल या स्कूल फीस, सबको लेके आम जनता सोच रही थी कि सरकार उनको कहीं ना कहीं राहत देगी। लेकिन आज परिस्थिति कुछ और है, ना तो उन्होंने बिजली के बिलों में कोई राहत दी, ना स्कूल की फीस में कहीं राहत दी, और ना ही पेट्रोल और डीजल में राहत देने की बात दूर है। लगातार 19 दिनों से जो है वो इनकी दरें बढ़ रही हैं। तो क्या आम जनता आखिर कहां पर जाए? सिर्फ और सिर्फ क्या चुनावों के लिए इनका उपयोग किया जाता है, या सरकारें इस तरह के जो आपके और हमारे जैसे मतदाता हैं उनका उपयोग करके सत्ता में आती हैं और सत्ता हासिल करने के बाद सब कुछ भूल जाती है? श्याम जी, देखिए दीपक जी, जो स्थितियां आज बनी हुई है उसमें केंद्र सरकार भी दोषी है तो राज्य सरकार भी दोषी है, दोनों ही है। दोनों को ये नकारा रूप से कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ कहते कुछ है करते कुछ है। आप देखिए विधानसभा में कई बार मुख्यमंत्री जी केंद्र पे आरोप लगाते थे, लेकिन जब वो कहते थे कि आपने तो वेट बढ़ा दिया तो उस पर बल्कि चुप हो जाते थे। तब बिजली के बिल माफ करने की बजाय डेफर करने की बात होती है। आप देखिए अब अगर आज अगर 3 महीने बाद अगर बिजली के बिलों का जितना बिल आया है सबके पास, वो चौंकाने वाला है। वो कह रहे थे पहले कितना एवरेज बिल लगाया और आप दे दिया उन्होंने, तो निश्चित से आम जनता, मजदूर, किसान सब दुखी है, क्योंकि पेट्रोल का उपयोग तो आम व्यक्ति भी कर रहे, खुद अगर नहीं चलाता गाड़ी कोई बात नहीं, लेकिन जो उसके पास गेहूं, दाल, जो भी उसका उपभोग का सामान आता है वो किसके माध्यम से आता है? ट्रकों के माध्यम से आता है। ट्रकों में किसका उपयोग होता है? डीजल का उपयोग होता है। तो महंगाई की मार तो आम व्यक्ति तक पड़ेगी, मध्यम वर्ग के साथ साथ आम जो जीवन जीने वाला है वो भी अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेगा आने वाले समय। देखिए गतिरोध बढ़ रहा है, हम सब कहते रह रहे हैं, लेकिन सही बात है, एक बड़ा आंदोलन जिस प्रकार से हुआ करता था अब आंदोलन दिखता ही नहीं है। आम पब्लिक तो अब देखिएगा कि 2-2.5 महीने नहीं बढ़ी, कीमत स्टेब्लिश रही, अब कह रही सरकार कहती है कि प्राइस अपने आप बढ़ती है, चुनाव आते हैं तो बढ़ती नहीं है, वो क्या कारण है, क्यों नहीं बढ़ती? तो ये कहना गलत है कि प्राइस पेट्रोल कंपनियां बढ़ाती है, मार्केट तो इंटरनेशनल मार्केट तो कम हो रहा है, प्रति बैरल भाव जब गिर रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि भाव तो वहां से स्टेबल होता है, रोज बढ़ता है रोज घटता है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कौन बढ़ाता है? केंद्र सरकार बढ़ाती है। वेट कौन बढ़ाता है? राज्य सरकारें बढ़ाती है। तो दोनों की दोनों सरकारें यदि आम जनता से 60% टैक्स वसूलेगी तो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल तो बढ़ेगा। अब देखिए भविष्य में जिस प्रकार की बातें हो रही है, देखिएगा कि आप देखिएगा आने वाले समय में जिसने डीजल की गाड़ी खरीद रखी है उसकी तो स्थिति भयानक होने वाली है जी। अब आने वाले समय में मैं मारुति ने बंद के ऐलान कर दिया कि हम बनाएंगे नहीं, पेट्रोल की गाड़ी बनाएंगे, CNG की गाड़ी आएगी, तो इतनी जल्दी आप और हम तो कुछ जो लोगों ने खरीद रखी है वो तो दुख हुए होंगे। आने वाले समय में पेट्रोल की गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन आप देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतनी जल्दी नहीं बदला जा सकता है। आपके सामने जो रोडवेज हुई या दिल्ली ट्रांसपोर्ट, जो भी सरकारों की ट्रांसपोर्टेशन है वो डीजल की गाड़ी चल रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी, ट्रक बदलेंगे नहीं इतनी जल्दी, बहुत टाइम लगेगा। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार की इकोनॉमी है उसमें डीजल का सबसे बड़ा प्रभाव देखने को आने वाले समय में मिलेगा। और निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं कि आंदोलन की बात दोनों दल करते हैं, बीजेपी कांग्रेस राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में करती है और कांग्रेस शासित राज्य बीजेपी से, तो दोनों की तालमेल ऐसे है कि हम लूटेंगे दोनों मिलकर के, लेकिन कम नहीं करेंगे। अब सबसे पहले तो सोनिया गांधी जी जो कह रहे हैं कि आम पब्लिक को लूट रही है केंद्र सरकार, तो कहे कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस शासित सरकार, कि वो तो वेट कम करे थोड़ा बहुत, इतना वेट बढ़ा दिया और डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ा रही है केंद्र सरकार, जिसके कारण से हमको इतना महंगा मिल रहा है और आज की स्थिति थी योगी पेट्रोल के भाव कम है और डीजल के भाव ज्यादा है, तो अब ये जी
किसान भी बिजली का उपयोग डीजल का उपयोग करता है। सही बात है, बहुत सारी फैक्ट्रीज में डीजल का उपयोग होता है, बहुत बिल्कुल साधन तो हमारा डीजल बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर उपयोग होता है, तो आने वाले समय पे महंगाई बढ़ जाएगी। इसको आपको दिखेगा नहीं लेकिन मार्केट में महंगाई बढ़ेगी। और देखिए कांग्रेस कह रही थी कि 2,60,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अब तक इसके माध्यम से इकट्ठा कर दिया। आप इकट्ठा तो करिए कोई बात नहीं, लेकिन आम जनता को राहत तो दीजिएगा। आम जनता ने क्या बिगाड़ा आपका कि एक तो सब कोरोना ने उसकी सब कुछ छीन लिया, उसके पास रोजगार नहीं है, उसको उसको वेट उसके पास तनख्वाहें कम हो गई है, अब जाता है तो उसको रोजगार देने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि इस डीजल और पेट्रोल की मार उसके ऊपर पड़ेगी तो वो क्या करेगा, वो कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल, अगर आम जनता के ऊपर डीजल की और पेट्रोल की मार इसी तरह पड़ती रही तो वो जाएगा कहाँ। यहाँ पर मैं पंकज जी आपसे पूछना चाहूंगा, पंकज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है जी। पंकज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि श्याम जी भी कह रहे हैं कि आम जनता पर पेट्रोल डीजल का जो भार है वो पूरी तरह से पड़ा है और सरकार जो है वो पूरा अपना खजाना भरने में तैयार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। आप क्या मानते हैं कि जो विपक्ष में होते हैं वो सड़कों पर उतरते हैं, जो पक्ष में होते हैं वो अपना खजाना भरने में हो जाते हैं, तो आम जनता आखिर जाए तो जाए कहां? आम जनता के पास कोई चारा नहीं है, इसलिए आपने देखा राजस्थान में हर 5 साल में आम जनता शासन पलट देती है और एक बार बीजेपी को मौका देती है, एक बार मौका देती है, लेकिन जनता के पास इन दो के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये हमको डेमोक्रेसी का अच्छा या बुरा रूप कुछ भी कह सकते हो, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ सत्ता पक्ष जो होता है उसकी कुछ मजबूरियां भी होती है। विपक्ष में जब होता है, जब उसके पास कोई डाटा नहीं होता है, उसको सरकार नहीं चलानी, उसको तनख्वाह नहीं देनी, उसको डेवलपमेंट कार्य नहीं करना, उसको अपने खजाने को या बैलेंस शीट को या बजट को बैलेंस नहीं करना। लेकिन जब वो सत्ता पक्ष में आती है तो उसको हकीकत मालूम पड़ती है कि वो बिजली का बिल माफ नहीं कर सकती, वो टैक्स में छूट नहीं दे सकती, वो चाहते हुए भी फ्री में चीजें नहीं बांट सकती। और जब उनको ये पता पड़ता है तो वो जो जो चीज उन्होंने कही थी उसको खत्म कर देते हैं। हमने देखा था जब एक सरकार आई, उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की लिमिट हम इतने लाख रुपए तक कर देंगे, लेकिन जब वो सरकार सत्ता में आई और जब बजट आया तो मालूम पड़ा कि 10-20-50 हजार रुपए बढ़े। लेकिन राजस्थान में हमने देखा कि हम बिजली के बिल माफ हो जाएंगे, पानी के बिल माफ हो जाएंगे, लेकिन जब सरकार आई तो राजस्थान में सरकार ने कह दिया कि इसमें से 50 यूनिट वाले तक का माफ करेंगे, और 50 यूनिट का जब 51 यूनिट हो जाता है तो उसका माफी खत्म हो जाएगी। तो और अगर इसका विपक्ष देखो तो दिल्ली की सरकार ने सब कुछ माफ कर दिया, तो उनके पास सरकार को कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं और उनको केंद्र सरकार से पैसा मांगने की जरूरत आ गई। तो एक बैलेंस करना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए, टैक्स लेना बुरा नहीं है, टैक्स लेना चाहिए, लेकिन टैक्स एक हद तक लेना चाहिए। आपने जब क्रूड की कीमत गिर रही थी तो आपने टैक्स बढ़ा के अपना खजाना बढ़ने का काम किया, वो सही था, लेकिन अब जब क्रूड की कीमत बढ़ रही है तो आपको कम से कम वो टैक्स कम करना चाहिए था और टैक्स पेट्रोल की रेट 70 रुपए तक ही मेंटेन करके रखते, डीजल की रेट 60-65 रुपए मेंटेन करके रखते। आज तो राजस्थान में आपने कुछ देखा होगा कि गुजरात में 71 रुपया पेट्रोल है और राजस्थान में 81 रुपया पेट्रोल है जी। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी, आप ये सोचे कि आम आदमी क्या करेगा, कैसे जो आपके ऑफिस में मुलाजिम काम करता है वो अपनी मोटरसाइकिल में कैसे पेट्रोल भराएगा? जो आपका ट्रांसपोर्टर है, परेशानी आम जनता के ऊपर ही आ रही है। पंकज जी मैं अभिषेक जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि अभी पंकज जी बता रहे थे कि सरकार जो है वो जब विपक्ष में होती है तो उसको लगता है कि वो बिजली के बिल भी माफ कर देगी, वो पानी के बिल भी माफ कर देगी, वो शिक्षा भी आपके निःशुल्क कर देगी, लेकिन जब वो सत्ता में आती है तो उसको पता चलता है कि सरकार के पास कितना खर्चा होता है, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि सरकार जो है वो माफ कर सकती है या सरकारों की जो इच्छा शक्ति है वो खत्म हो गई है आम जनता को लेकर? सर देखिए, जहां तक माफी करने का सवाल है तो हर सरकार अपना एक बजट बनाती है, हर सरकार अपना एक प्लानिंग करती है, हर सरकार का फंड होता है, हर सरकार का एक्सपेंसेस होता है, फंड को यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करेंगे।
तो कोई भी सरकार कोई काम करती है सालाना अपना बजट बनाती है, प्लस कोई कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति अगर आ जाती है तो सरकार बजट को मॉडिफाई करती है, कहां से इमरजेंसी पैसा लेके आना है और उसको इमरजेंसी पर्पज के लिए उनको खर्च करना है। तो अगर हम बात करें कि सरकार नहीं कर सकती तो ये बात तो कोई मानने वाली बात नहीं है सर। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सर, तो जहां कभी भी ऐसा होता है कि किसी आम आदमी या उपभोक्ताओं के ऊपर हमेशा ऐसी मार पड़ी है, तो अर्थशास्त्र हमेशा ये कहता है कि देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाने के लिए, प्रति व्यक्ति आय का संतुलन बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं लोगों के खर्चे कम करने पड़ेंगे। अब खर्चे लोगों के कम कैसे हो सकते हैं, तो जो आम आदमी को जो सुविधाएं मिल रही है सरकार की तरफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो कम कॉस्ट में उसको मिल जाए। जैसे आज हम बात करें पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ रही है, तो बढ़ने का केवल असर इतना ही नहीं, मैं या फिर कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी का या कोई भी बिजनेसमैन कोई भी आमद में अपनी गाड़ी में अपनी कार में अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराए तो ही उसको महंगाई का मालूम चलेगा। इनडायरेक्टली बहुत सारे सोर्सेज है सर। दीपक जी आपको बताया कि जितनी भी सब्जियां वेजिटेबल है मिल्क है सब ट्रांसपोर्ट से काम होता है, सब ट्रांसपोर्ट से आता है। जहां डीजल के प्राइसेस बेतहाशा वृद्धि हुई है वहां ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ गए हैं। आप देखना इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर सब्जियों पे पड़ रहा है, फलों पे पड़ रहा है, 20% 25% 30% आपको महंगाई मिली है, प्लस जो खाद्यान्न ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट से आते हैं उनका उनके ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो जब भी हमेशा आप देखेंगे पेट्रोल डीजल की प्राइसेस जब भी बढ़ती है 10-15% 20% से ऊपर बढ़ जाती है, तो हमको एक बहुत अच्छा परसेंट 20-25% वृद्धि देखने को मिलती है खाद्यान्नों की प्राइसेस में भी और डीजल की प्राइसेस। तो मुझे लगता है कि केवल सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर ही डिपेंड है पार्शियली। हम ये नहीं कहते कि सरकार को पूरी तरह से बहुत सस्ती रेट कर देनी चाहिए, पर एक कुछ बैलेंस करके कहीं ना कहीं पब्लिक को राहत देने का काम जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, सरकारों की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो आम जनता को कितनी राहत दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। श्याम जी, क्योंकि अब देखिए समय जो है वो भी हो रहा है, और चलते चलते मैं आप सभी का फाइनल रिएक्शन जो है वो लेना चाहूंगा। सबसे पहले श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और आम जनता जिस तरह से महंगाई की मार से पेट्रोल डीजल की मार से जो कमर तोड़ी जा रही है आम जनता की, आप सरकारों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, सही बात तो यह है कि आप कहते हो करके दिखाओ। आने वाला समय परिस्थिति विपरीत है, कोरोना काल चल रहा है, ऐसी स्थिति में महंगाई बढ़ेगी तो निश्चित रूप से गरीब कहेगा किसको। अब आप आने वाले समय में जब बिहार के चुनाव होंगे, बंगाल के चुनाव होंगे, उस वक्त सरकार सोचेगी कि कम कर दें, लेकिन जिस प्रकार की बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसका विपरीत प्रभाव इस इकोनॉमी में पड़ेगा और आम व्यक्ति लुटता नजर आएगा। उसको कहीं सहारा देने की जरूरत है, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को दोनों को सोचना होगा और उसे इस कोरोना काल में कोई ना कोई राहत देनी चाहिए। निश्चित रूप से कहा जो कह रहे थे अभिषेक जी वो सही कह रहे थे कि उनको बैलेंस करके करना चाहिए। भाई आप इतना मत कीजिएगा, कुछ तो करिए, राहत तो दीजिएगा। जब क्रूड ऑयल के भाव कम हो रहे हो फिर भी आप उसको कम नहीं कर रहे हैं तो ये तो अन्याय है। अन्याय हमेशा सहन करती रहती जनता, लेकिन समय पर आकर के चोट पहुंचा सकती है। बिल्कुल पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका फाइनल व्यू क्या है कि सरकारों को किस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव कम करके महंगाई को कम करना चाहिए। देखिए सरकार को, मेरी तो अभी भी मंशा ये है कि सरकार को पेट्रोल डीजल के भाव रेगुलेट करने चाहिए। आज जो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं ये बिल्कुल गलत है, और ये कुछ चुनिंदा कंपनीज को फायदा देने के लिए फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं। कहीं पर भी फ्री मार्केट इकोनॉमी अपने जैसे डेमोक्रेटिक देश में चल नहीं सकती। यहाँ पे सरकार को टैक्स भी लेना है तो उनको रेगुलेट करना चाहिए। जो सब्सिडी वाली, आप देखिए सब्सिडी खत्म कर दी, सब्सिडी खत्म करने के बाद टैक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और टैक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी कर दी। आज जो पेट्रोलियम कंपनीज है उनके आप प्रॉफिट देखिए, वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रहे हैं। तो वो पैसा कहां से आ रहा है? वो आप और हम लोगों की जेब से जा रहा है। आज आप कहते हैं कि सरकार कहती है कि हमारे पास टैक्स ज्यादा बढ़ाया इसलिए कि पैसा नहीं है। आप उनका कोई भी सरकारी पेट्रोलियम कंपनी और जो प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी है उनकी बैलेंस शीट देखिए। मेरे ख्याल से अगर हिंदुस्तान के शेयर मार्केट को देखेंगे तो टॉप 5-10 कंपनीज में वो कंपनी शामिल होती है, और आप वो सारा पैसा जो मुनाफा है और जो उनके खर्चे हैं अगर उनके ओवरहेड देखे तो वो सारा पैसा आम जनता की जेब से जा रहा है। इसको रेगुलेट करना चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी को खत्म करना चाहिए, और अगर जैसे ही ये फ्री मार्केट इकोनॉमी खत्म करते हैं और थोड़ा बहुत टैक्स में कमी करते हैं, मैं मानता हूं 10-15 रुपए लीटर
डीजल और पेट्रोल के दाम में कमी आ सकती है डायरेक्टली, और ये सिर्फ सरकार की मंशा चाहिए। फ्री मार्केट जो प्राइसिंग इन्होंने खोल रखी है, फ्री मार्केट प्राइसिंग भी एक मिसनॉमर है। अभी जी हमारे शर्मा साहब ने कहा कि बिहार का इलेक्शन आ रहा है, बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, आप उस महीने में देख लीजिएगा कोई पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं क्या। मैं आज आपको ज्योतिष की तरह फोरकास्ट कर सकता हूँ, आर्थिक विशेषज्ञ हटकर मैं ज्योतिष बन सकता हूँ और मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी आप क्या कहना चाहेंगे फाइनल व्यू के दौरान, की सरकारों को आम जनता के लिए किस तरह सोचना चाहिए जिससे कि उनको फायदा मिले इन सभी चीजों? देखिए ऐसा है दीपक जी कि ये जो समय है, मैं तो ये कहना चाहूंगा ये समय बड़ा विकट है, जहां एक तरफ कोविड बहुत तेजी से अपने पांव पसारते जा रहा है और बहुत सारे लोग इसमें समाते जा रहे हैं कोविड के अंधकार में, जीवन के साथ में, और आगे क्या होने वाली है ये अभी किसी को पता नहीं है। तो इस समय मेरा मानना ये है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा राहतें जनता को देनी चाहिए, और अगर प्रेजेंटली अगर प्राइस रेगुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, जैसा पंकज जी ने बताया प्राइस रेगुलेट करनी चाहिए 100%, मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ प्राइस रेगुलेट करनी चाहिए, पर इमीडिएटली जो राहत देनी चाहिए वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करके और राज्य सरकार को वैट कम करके कम से कम 8-10 रुपए पर लीटर की राहत इमीडिएटली देनी चाहिए, ताकि ना केवल को पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ियों बढ़ाने से राहत मिले, बल्कि वहीं जो भाव रेगुलेट हो रहे हैं गुड्स के कहीं ना कहीं, खाद्यान्नों के, सब्जियों के, फलों के, उस पर भी कहीं ना कहीं राहत मिले। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सरकारों का कदम उठाया जाना चाहिए, अन्यथा जो पब्लिक है वो आक्रोश कहीं ना कहीं पब्लिक में भरा हुआ है, और उस आक्रोश इस कोरोना काल के साथ में वो आक्रोश डबल स्पीड में भरा हुआ है, क्योंकि मंदी चल रही है, लोगों की नौकरियां चली गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को बहुत जल्दी अतिशीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए इसके लिए। बिल्कुल निश्चित रूप से आम जनता के वोटों से जो सरकारें बनती हैं, उन सरकारों को आम जनता को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे उनको किसी भी तरह का सरकार के द्वारा सहयोग हो, वो सरकारों को लगातार बरकरार रखना चाहिए, तभी आने वाले दिनों में एक बार फिर वो सत्ता में काबिज हो सकती है। क्योंकि अगर आम जनता का सरकार ख्याल रखेगी तो आम जनता भी सरकार का ख्याल रखेगी। हम उम्मीद करते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि वो पेट्रोल और डीजल के दरों में निश्चित रूप से जल्द कमी करे, जिससे कि आम जनता को इस महामारी के समय सहयोग मिले और वो अपने काम को और अपने जीवन को अच्छे तरीके से चला सके। आप सभी पंकज घिया जी, श्याम सुंदर शर्मा जी और अभिषेक शर्मा जी, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।